वो क्या? हमारे लिए है ना? हमारे लिए है। इस मोहल्ले में किसी को नौकरी भी मिली ना तो उसे सब हीरो समझते हैं, लेकिन ये तो कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, फिर तो जश्न भी तो उतना ही धूमधाम से होगा ना। सर 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 बहुत नर्वस हूँ, इतने लोगों के सामने कैसे बात करूं मैं, सर वो यू कैन डू इट। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की पूरी टीम तुम्हारी स्पीच सुनकर कुछ सीखना चाहती है, उनके सामने थोड़ा भाषण देके सीधा मेरे पास आ जाना। कंपनी के सारे शेयर्स और असेट्स हमारे नाम पर करने के ये कागज हैं। जल्दी से साइन करो इस बार। विटनेस के तौर पर हमने हाई कोर्ट से लॉयर भी बुलाया है। साइन करते ही गेम ओवर। सर 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 बचपन से स्टेज फियर है सर, भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। आप कहो तो अभी साइन कर देता हूं सर। वापस आकर साइन कर लेना, छोटी सी स्पीच है, जस्ट टू लाइंस। दो लाइन कह रहे हो या तो पांच लाइनें लिखी है। पढ़। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ सर, रट्टा मार कर आता हूँ। टू मिनट्स। एक लाइन याद हो गई है, बाकी की चार कर लेता हूँ। मैं रेडी हूँ सर, याद हो गया। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत, सुस्वागतम। आपके साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सर। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मुझे आशीर्वाद चाहिए सर। इतना गधा भी कोई कैसे हो सकता है? मैं भी सेम टू सेम सोच रहा हूँ सर। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो इनवाइटिंग द न्यू सीईओ ऑफ पीपल मार्ट ऑन द स्टेज। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत, सुस्वागत हूँ। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ये क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचें तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉयज समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स मैं चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। कल से हमारी इस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सबके सब मालिक बन जाएंगे। हमारी कंपनी होगी सिर्फ ओनर्स की कंपनी, पीपल मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। शेयर ट्रांसफर करने की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द ही पूरी होगी और आप ओनर्स होंगे। पापा, यही आपका सपना था ना? हम सब एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। तुम्हें मारना चाहता था ना वो? उस जेपी और उसके बेटे को अच्छा सबक सिखाया तुमने। यश तो अपना काम है, इसीलिए अपने फैंस का फेवरेट हूँ। कोई और भी है जिसने मेरा जीना हराम किया है, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। कौन है? तेरा बापू। कल एक परफॉर्मेंस तेरे घर पर होगा, सीन शुरू होते ही इमोशनल होना। तुम्हारा पति परमेश्वर के पास गया, अब हम क्या करें?
उसकी इच्छा सब होता है हमारे अच्छे के लिए होता है बेटी। लेकिन आपको जब से मिला हूँ मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। प्यारों की सिर्फ एक महीना हुआ था, कितना रोगी? जब पता चलेगा आपने सुपारी दी थी तब क्या होगा? मुंह बंद रख अपना। ओके ओके ओके। अरे बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक पिता यही सपना देखता है ना। काश मेरे पिताजी को भी यही सपना हुआ होता। 10 लाख देकर इसकी भी सुपारी देता हूँ, पनौती तो चली जाएगी सर से। मम्मी जी है ना सर? तेरी मम्मी तो नहीं है ना? एक मौका मिलने दे मुझे। रहने दो मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे चांस कहाँ मिलता है, लेकिन हर शादीशुदा मर्द करना तो यही चाहता है। अगर बीवी को मारना गुनाह नहीं होता ना, तो इंडिया में शादी से ज्यादा मर्डर्स होते हैं। वो रहने दो, पहले ये सोचिए कि लड़की को आनंद से शादी करवाने के लिए कैसे राजी करें। वही सोच रहा था यार। अंकल। हाय आनंद। आनंद। हाँ अंकल। आप हमारे घर पे कैसे? प्रणविका जिससे टाका भिड़ा था, सुना है किसी ने उसे टपका दिया। आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम मैं खबरी का भी काम करता हूँ अंकल। किसने मरवाया मालूम है? गड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों का खानदानी पेशा है क्या अंकल? सर ये तो पहचान गए सर। ये चुप रहे छोड़ दो उसे, उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। हेलो, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो भाई, मालिक ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। कितना कमीना है रे तू, गाड़ दूंगा तुझे। अंकल जो हो गया उसे भूल जाइए, आपकी बेटी प्रणवी से शादी करने में मुझे एतराज नहीं, चाहो तो दहेज मुझसे ले लो। मेरे घर आके आपने ये बता दिया, मेरी तो जिंदगी बन गई। तो कार छाप दूं? छाप दो। मैं आपको जिंदगी का सत्य बताना चाहता हूँ। बताओ बताओ। जब कभी आपको मर्डर करने की खुजली हो तो फोटो मत दिखाओ, जिसको मारना है उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाओ, वरना लफड़ा हो जाता है। कैसा लफड़ा? स्वामी समझकर आपने आनंद को मार दिया, हो गया ना लफड़ा। मतलब जो मर गया वो आपकी बेटी का होने वाला पति। और तुम? मैं आपका होने वाला दामाद। स्वामी हो ना? हाँ बेबी, कम क्लोजर। ससुर जी, आपने आनंद को मरवा कर उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल में छुपा दी। अगर ये बात मैं चक्रवर्ती साहब को बता दूं तो क्या होगा? बेटा, ऐसे खतरनाक फैसले बिना बताए मत करना बेटा। तो फिर जल्दी बताओ, अपनी बेटी की शादी मुझसे कब करवाओगे? मेरी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊं? पीपल मार्ट कंपनी के नए सीईओ के साथ भी नहीं? पंडित जी को अभी बुलवा लेता हूँ बेटा। मान क्यों गए? सीईओ जो बन गए। हटा सावन की घटा, महापापी कलेशी, देखते ही तेरी शक्ल बढ़ने लगता है मेरा बीपी। गुंडालो भी बड़ी लोमड़ी मार दूं तुझे तो होंगे सब काफी हैप्पी। इसलिए थी तेरी जीभ, कहा था मुझे गरीब, नहीं आने दिया करीब, बर्ताव था अजीब, क्यों मेरी जानू को घर बिठा कर फोड़ा मेरा नसीब। हे गुरुदेव, सठिया गया था बुढ़ा, स्क्रू हो गया था ढिल्ला, आप भी कहाँ लेकर बैठ गई है मुद्दा। लौट आई है बुद्धि, मत तोड़ना मेरी हड्डी, सीख गया बड़ी जल्दी, माफ कर दो मेरी गलतियाँ। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम मूर्ख हो साबित करो और मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा। मैं हूँ चूहे की टट्टी करेगी, इधर भी मुझसे कट्टी, मकड़ी से भी मेरी फटती, उड़ जाए बैटिंग में डंडा, करूँ बॉलिंग भी गंदा, हूँ फील्डर भी मंदा, दुनिया के सारे निठल्लों का हूँ मैं चेला। बट रही थी अकल तब छुपा ली शकल, आपका दिमाग है फेरारी, मेरा है पैदल। मैं आपकी चीख आदमी, चिल्लर की भीख, पैशन पेपर हूँ लीक, आप कबाब में सीख, आप लेदर की महंगी बेल्ट में निकर का नाड़ा, आप लगाठी। हो गया मना के, खुल गई है आंखें, अब तो शुरू कीजिए शादी की बातें। अब मेरी सुन, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, बेटी का पापा बंदर एक नंबर, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, पापा बंदर एक नंबर, करवा दे छोरी ना लगन कमिंग दिसंबर। निकलो, अगर अब से तुमने सुपारी दी। सुपारी खाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। कोई और खेल खेलने की कोशिश करोगे? सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा। तथास्तु। धन्यवाद सर। अथर्व सर आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे हैं। ये तो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, क्या बोलोगे तुम? कहीं पर छुप जाओ ना। तू आनंद है ना? आनंद नहीं, विवेकानंद चक्रवर्ती। तुम्हारा इस कंपनी को हड़पने का प्लान है ना, तो बस सपने सजाते रहो। मेरे होते हुए तो इस कंपनी की चाबी तो क्या कीचेन को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। ए, मुझे एक्टिंग में चांस मिल सकता है ना? मैं तेरा स्वामी हूँ, पहचाना नहीं?
मैं वही डुप्लीकेट बंदा हूँ जिसको आपने हॉट सीट दी है। स्वामी हूँ सर। तुझे क्या करने बोला था और तूने क्या किया? मैंने क्या गलत किया? कुछ भी बोल रहे हो? स्टेज पर एक आर्टिस्ट गलती कर सकता है, लेकिन वो अपने साथियों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मजा हुआ खिलाड़ी है, सारे डायलॉग्स तो खुद ही बोल रहा है। तुझे डायलॉग नहीं मिल रहा इसलिए चल रहा है क्या? चार शब्द के नाम पर माइक पर चार पन्ने रख दिए थे। पर अपन भी भारू कलाकार है, ऑडियंस को देखते ही एक्टर जाग गया, वो भी विद एक्शन, विद इमोशन, विद मॉड्यूलेशन। अगर मैंने भारू एक्टिंग नहीं की होती तो भांडा फूटता ना। सर, लगता है आनंद का स्पीच गलती से इसने पढ़ लिया है। मेरी बात सुनो। पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना जिसे डायरेक्शन नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी मुझे एक्टिंग। मम्मी। रुक जाओ। दरअसल वो तुमने रुकने कहा इसलिए नहीं रुका, मुझे कुछ कहना इसीलिए रुका। आप भगवान है सर। फोन के डीपी पे आपके बाप की फोटो है और हाथ में जो अंगूठी पहनी है ना उसमें आपका अल्फाबेट है। मेरा बस चले तो आपके नाम का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाऊं। आप पुरुष नहीं, महापुरुष हो। ये तो सॉरी स्वामी, तुझे गलत समझा। बता, तुझे नया ऑफिस कैसा लगा? झक्कास है। वो बात नहीं, सीईओ की कुर्सी कैसी लगी? मुलायम है। मोटा गद्दा लगा है। प्योर सोल। झूठ नहीं कह रहा सर, आप चाहो तो बैठो, आजमा कर देखो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे भोले लोग दुनिया में बहुत ही कम है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही पकड़े हैं सर। आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है स्वामी? पैदा होते ही नर्स ने भी यही कहा था। ओके स्वामी, मैं ट्रांसफर पेपर्स भेजता हूँ, तुम साइन कर दो। पेन पकड़ कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। One minute. पता नहीं क्यों आपको फूल देने का मन किया, खास करके ये कलर, और ये आपके पापा के लिए। कैसे दिन आ गए हैं, अब तो मान है। ए विक्रम, कब आए? सुबह ही आया। ऑल गुड? पहले जेपी से निपटना पड़ेगा ना। जेपी अकेला नहीं है, इस कंपनी को कोई और भी हड़पना चाहता है। उस दिन मॉर्चरी से दो फोन किए थे। सर, सबको लग रहा है कि आनंद को जेपी के लोगों ने ही उसे मारा है सर, लेकिन असल में आपने मरवाया है, ये किसी को नहीं पता है सर। दूसरा फोन किसे किया था पता करना होगा। संजय। सर। साइन करो। ये क्या है? स्वामी की सैलरी है और क्या। क्या बात है, बहुत फाड़ू लग रही हो। माई लाइफ माई रूल्स। हाथ हटाओ। मेरा हाथ, मेरी मर्जी। ये बात मैं अपने पति को बता दूं क्या? वो कौन है? आनंद। क्या तुम्हारा वो लल्लू तुम्हें कसकर पकड़ सकता है? ऐसे किस कर सकता है? क्या वो मेरे जितना वाइल्ड है? नहीं है शायद, लेकिन मैं काफी वाइल्ड हूँ। आधे में मत छोड़ो, क्लाइमेक्स बताओ। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा हाथ अब तक सिर्फ कमर पर ही क्यों है। बहुत तेज हो, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वाइल्ड हो। तभी तो जोड़ी जमेगी। डैड, माइकल के सामने वो पैनिक हो गया था और आनंद के प्रॉमिसेस बक दिए। कल रात तक अपना काम हो जाएगा। और आपको एक बात पता है क्या? कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है सर, वो अलग, ये अलग है सर। आजा भले ही अंधा हो सकता है,
सेनापति नहीं हो सकता। खबर की जांच ठीक से करनी चाहिए, सिर्फ सुनकर नहीं बोलना चाहिए। सामने शेर है या लोमड़ी ये बात भी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी, ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया, मुझे मात देने के लिए मुझे चुनौती देता है, उस स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं, माफ करना, मैंने देखा नहीं। मेरी बेटी को चक्रवर्ती जी की बहू बना रहा था, इसलिए स्वामी को बेटा बना दिया। मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता था, लॉटरी तो स्वामी को लग गई। आपने दामाद को मारकर आपने अपने बाप को उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। एक गुच्छा मारूंगा, कोमा में जाएगा। आपके साथ रहने से तो वही बेहतर है। आप गेस्ट को संभालिए, ओके? इसे मैं देखता हूं। ओके, इट्स ओके। चलिए, संभाल के। अरे भाई, आइए सर, सही टाइम पर आया हूं। ए, उनको शेयर्स क्यों बांट रहा है? तूने इन्फॉर्मेशन दी हमको? इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, और दौलत दी नहीं जाती, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मुझे 2 लाख की मूंगफली खिलाकर खुद 2 करोड़ की मलाई खाना चाहते हो? प्लान तो आपका बहुत भारू था।
लेकिन 2 लाख के बदले मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी? मैं उस बुड्ढे के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर देने का वादा किया। अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। ए, तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूँ ना तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के टट्टू हैं। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे हैं ना, ये सारे वैसे ही हैं। ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम पता है? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब आएगा। पीछे 30 लोग खड़े होते तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। बस आएगा तो जल जाएगा। बॉयज रिलैक्स। ए, मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक एक हाथ से बंद कर और कट ले। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे सही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था ये डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू ठुमका लगाए।